Hello dear student, today I am going to teach you about 139 translation number. और देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप कृपया ध्यान से सुने। मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रांसलेशन को बोल करके बना सकते हैं जिससे कि हमें स्पोकन भी आएगा और हमारा ट्रांसलेशन भी बन जाएगा, तो हर एक आदमी एक पंथ दो कार्य करना चाहता है। आज के जीवन में हम लोग जो मोबाइल खरीदते हैं, हम अपने मम्मी पापा से खरीदते हैं, तो ये बोलते हैं कि आप मोबाइल हमको खरीद दीजिए, हम पढ़ लेंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा, सारा चीज़ सभी सही से पे हो जाएगा। माँ बाप को भी लगता है भाई चलो ठीक है, 10,000 रुपये ही तो लग रहा है, सारा विषय की पढ़ाई हो जाएगी लड़की की, बढ़िया बात है, एक बार लेगा 10। तो आप उनको सुविधा बताते हैं कि इससे बहुत सुविधा है, तो हम भी आपको सुविधा बता रहे हैं कि जब ट्रांसलेशन बोल करके बनाया जा सकता है तो आप लिखने की कोशिश क्यों करते हैं। लिख करके आप तो लिखने में तो समय व्यतीत हो जाएगा, एक ट्रांसलेशन बनाने और लिखने में जो समय लगता है, क्लियर, अगर उस ट्रांसलेशन को लिखने में जो समय लगता है उतने में तो आप 3-4 बोल लेंगे, तो जब आपके प्रोग्रेस 3-4 गुना ज्यादा हो सकता है तो आप एक गुना में क्यों लगे हुए हैं। आप अपनी मम्मी पापा को तो समझा देते हैं भैया 10,000 लगा दो सारा विषय हो जाएगा, तो मैं भी तो आपको समझा सकता हूँ ना, वो तो समझ जाते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को, ये आप ही के लिए तो बोला जा रहा है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Okay, मैं जा रहा था, क्या होगा, आई वॉज गोइंग, क्या होगा, आई वॉज गोइंग, फिर से बोलते हैं, मैं जा रहा था, क्या होगा, आई वॉज गोइंग, हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग, तुम पढ़ रही थी, यू वर रीडिंग, है ना, मैं जा रहा था, क्या होगा, आई वॉज गोइंग, हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग, आप चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं वी वर गोइंग टू रीड, ये आपके हाथ में है, बिल्कुल आराम से इसे लगा सकते हैं और अपना ट्रांसलेशन को बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, आई वॉज गोइंग, आप लिखिए आई वॉज गोइंग टू रीड, आई वॉज गोइंग टू प्ले, वी वर गोइंग टू रीड, ऐसे चेंज कीजिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुम पढ़ रही थी, यू वर रीडिंग, आप लिखिए यू वर रीडिंग साइंस, आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग विदाउट पिल्लो, बिना तकिया के, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्लियर, आप लोग खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, लिख सकते हैं, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फ्रूट्स, सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, देखिए मैं एक ज्यादा जोड़ करके बोल रहा हूँ, वह सिलाई सीख रही थी, शी वॉज लर्निंग अ स्टिचिंग, She was learning a stitching. यहाँ पर मीनिंग गलती है, she was stitching, सिलाई कर रही थी, बिल्कुल सही है, she was stitching, अगर सीख रही तो लर्निंग होगा, she was learning a stitching, many designs, लोग इंतजार कर रहे थे, है ना, वे लोग इंतजार कर रहे थे, they were waiting for me, बच्चे सो रहे थे, children were sleeping, है ना, on the floor, floor पे, गर्मी के दिनों में सो जाते हैं लोग बच्चे, floor पे ही, बिना बिछाए हुए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला, ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है, ये फालतू का वीडियो नहीं है, और उन लोगों को तो जरूरी है शेयर कीजिए वीडियो जिनके पास ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की किताब है, जिनके पास ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की किताब है उनको काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। आप इसे समझने की कोशिश करें, ये जीवन चेंजिंग हो सकता है, बहुत तेजी से आप सीख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गीता रीता और गीता उपन्यास पढ़ रही थी, है ना, तो क्या होगा, गीता एंड रीता वर रीडिंग नॉवेल्स, गीता एंड रीता वर रीडिंग नॉवेल्स। चलिए आगे चल रहे थे, दर्शक गण ताली बजा रहे थे, है ना, गीता एंड गीता वर रीडिंग नॉवेल्स, दर्शक गण ताली बजा रहे थे, तो क्या होगा, द ऑडियंस The audiences were clapping. The audiences were clapping. शिक्षक हम लोग को पढ़ा रहे थे. Teacher was teaching us. Teacher was teaching us science. वह भीख मांग रहा था. यहाँ पर he was begging होगा, लिखा गया beggar. है ना, यहाँ पर होगा he was begging. ही मैंने हुआ होता है. यहाँ पर लिखा गया beggar मांग रहा था. चलिए. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी. I was waiting for you. I was waiting for you. वे अपना पाठ याद कर रहे थे, दे वर रिमेम्बरिंग द लेसन, दे वर रिमेम्बरिंग द लेसन, मेरी पत्नी पत्र लिख रही थी,
माई वाइफ वॉज राइटिंग अ लेटर, माई वाइफ वॉज राइटिंग अ लेटर, मछुए नदी में मछली पकड़ रहे थे. द फिशरमैन वेयर कैचिंग फिश इन द रिवर, द फिशरमैन वेयर कैचिंग फिश इन द रिवर. चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा स्लो है मेरा कंप्यूटर जिसके कारण इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है स्लाइड को चेंज करने में, लेकिन आप बिल्कुल बने रहिए, मैं इसको थोड़ा ठीक करवाऊंगा उसके बाद आपको. ठीक है, मैं घने जंगल से गुजर रहा था. आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट. ठीक है, आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट. गीता अपनी पुस्तक पढ़ रही थी. गीता वॉज रीडिंग हर बुक, गीता वॉज रीडिंग हर बुक. वे निरीक्षण कर रहे थे. They were inspecting. Inspector बना inspecting से. Inspect मतलब तो निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना. मूसलाधार वर्षा हो रही थी. It was raining like cat and dogs. It was raining like cat and dogs. बच्चे शोर मचा रहे थे. Children were making noises. किसान खेत में हल चला रहे थे. The farmers were ploughing in the field. They ploughing the field. लड़कियां नृत्य कर रही थी. Girls were dancing. तुम लोग के भाई वहाँ जा रहे थे. Your brothers were going there. मेरे शिक्षक तुम्हें पीट रहे थे. My teacher was beating you. ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये समाप्त होता है. आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपको प्रोलिफिक लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा होगा. तो अपने दोस्तों में जरूर से बांटें, उसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.